नमस्कार दोस्तों, मैं एक के राज आज मैं आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास ट्वेल्थ का केमिस्ट्री, जिसका एक न्यू चैप्टर है, उसका नाम है सोल्यूशन, जिसे हिंदी में बिलियन कहा जाता है। यह एक ऐसा चैप्टर है जिससे दो या दो से अधिक क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाता है, तो चाहेंगे कि हम इसे अच्छे से और सरल भाषा में स्टडी करें। पूरे चैप्टर को समझने के लिए हमारा वीडियो शुरू से अंत तक देखें और हर भाग देखें, ताकि पूरा चैप्टर आप क्लियर समझ सके। तो चले हम जानते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन एक समांगी मिश्रण है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ एक दूसरे में घुले होते हैं, जैसे पानी और चीनी का मिश्रण, पानी और नमक का मिश्रण, ये सॉल्यूशन का प्रमुख उदाहरण है। हम पानी प्लस चीनी लेते हैं तो पानी और चीनी मिलकर बनता है शरबत। पता चल रहा है कि इस सॉल्यूशन में पानी घुला लेने वाला है और चीनी घुल जाने वाला है, मतलब पानी में चीनी घुलकर शरबत बनता है। एक सॉल्यूशन का दो घटक होते हैं, कोई भी सॉल्यूशन हो उसका घटक दो होते हैं। उसमें एक पदार्थ जो होते हैं अन्य पदार्थों को घुला लेने की पावर रखता है और कोई पदार्थ उसमें घुलने की पावर रहता है। तो जो पदार्थ घुला लेता है उसे हम विलायक कहते हैं, जैसे पानी विलायक है, इसे इंग्लिश में सॉल्वेंट कहा जाता है, और चीनी को विलेय कहा जाएगा, जिसे इंग्लिश में सॉल्यूट कहते हैं, और शरबत को आप सॉल्यूशन समझ लें, यानी बिलियन है। तो विलायक किसे कहेंगे? सॉल्यूशन का में उपस्थित वह पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ को अपने में घुला ले उसे विलायक यानी सॉल्वेंट कहा जाता है, और सॉल्यूशन में जो पदार्थ घुल जाता है किसी अन्य पदार्थ में उसे विलेय कहा जाता है, यानी सॉल्यूट कहा जाता है। एक बात और, किसी भी बिलियन में सॉल्वेंट की मात्रा हमेशा अधिक होगा, जैसे पानी हमेशा अधिक होगा और चीनी कम होगा तब ही शरबत बनेगा। कभी भी चीनी की मात्रा अधिक और पानी की मात्रा कम होने पर सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इस आधार पर भी आप विलायक और विलेय का डिफिनेशन दे सकते हैं, जैसे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट, मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट, यानी जिस बिलियन में जिसकी मात्रा अधिक हो उसे विलायक कहेंगे और बिलियन में जिसकी मात्रा कम हो उसे विलेय कहते हैं। तो चलिए इस प्रकार आप लोग समझे सॉल्यूशन क्या है और विलेय विलायक क्या है। अब हम लोग देखेंगे बिलियन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो हेडिंग लगाइए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी बिलियन के प्रकार। तो बिलियन जो होते हैं उसे निम्नलिखित आधारों पर वर्गीकृत किया गया है, जैसे आप पहला में देख लेंगे सॉल्यूट की मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर, यानी सॉल्यूट की मात्रा के आधार पर सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं। सॉल्यूट की मात्रा के आधार पर सॉल्यूशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसे हिंदी में तनु बिलियन कहा जाता है, और एक होते हैं कॉन्ग सॉल्यूशन जिसे हिंदी में सांद्र बिलियन कहा जाता है। यानी सॉल्यूट की मात्रा के आधार पर सॉल्यूशन को दो वर्गों में बांटा गया है, एक तनु बिलियन और एक सांद्र बिलियन। जैसे आप एक एग्जांपल से समझिए कि पानी आपके पास 5 केजी है, पानी आप कितना ले रहे हैं 5 केजी,
और चीनी ले रहा है 2 चम्मच, छोटा वाला चम्मच से, यानी मान लो 100 ग्राम। तो यहां पर जो सॉल्यूशन होगा, यानी पानी और चीनी का जो सॉल्यूशन होगा, जिसमें चीनी को नाम मात्रा का रखा गया, यानी उसकी वैल्यू ना के बराबर भी हो सकता है, तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे। यानी वैसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट, चीनी क्या है, सॉल्यूट, वैसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मात्रा आवश्यकता से कम हो उसे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे। इसे पतला सॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। फिर एक होता है कॉन्ग सॉल्यूशन। जैसे आप मान लो कि 5 केजी चीनी लिए और मैक्सिमम मान लो कि 4 केजी तक आप चीनी लेते हैं, तो यदि 5 केजी पानी में 4 केजी चीनी घुल जाता है तो वैसे सॉल्यूशन को हम सांद्र बिलियन कहेंगे, यानी गाढ़ा बिलियन के नाम से जाना जाता है। यानी वैसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो, जिसमें सॉल्यूट की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो उसे हम सांद्र विलयन कहेंगे। इसे गढ़ा सॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार आप लोग ने देखा कि सॉल्यूट की मात्रा के आधार पर सॉल्यूशन को 2 वर्गों में बांटा गया है। अब देखेंगे विलायक के अवस्था के आधार पर, यानी विलायक की अवस्था के आधार पर, तो विलायक की अवस्था के आधार पर सॉल्यूशन को यानी 2 वर्गों में बांटा गया। एक होता है एक्वस सॉल्यूशन, जिसे हम जलीय विलयन कहते हैं, और एक होता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन, जिसे हिंदी में अजलीय विलयन कहा जाता है। तो एक्वस सॉल्यूशन किसे कहेंगे, वैसे सॉल्यूशन जिसका विलायक यानी सॉल्वेंट, वैसे सॉल्यूशन जिसके विलायक जल हो, वाटर हो, उसे हम एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे, और जिस सॉल्यूशन का विलायक जल ना हो उसे हम नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। जैसे पानी और चीनी है, तो यहां पे विलायक के रूप में पानी लिए हैं, तो ये हो गया एक्वस सॉल्यूशन। और अगर हम कह दें कि तेल या दूध, कह दें कि दूध और चीनी का मिश्रण, तो यहां दूध और यहां चीनी है, तो यहां विलायक के रूप में पानी नहीं है, तो अगर विलायक के रूप में पानी का प्रयोग ना किया जाए तो उसे हम नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। एक तीसरा आधार है कि नंबर ऑफ कंपोनेंट के आधार पर सॉल्यूशन को कितने वर्गों में बांटा गया। तो हेडिंग लगाएंगे नंबर ऑफ कंपोनेंट के आधार पर, यानी कंपोनेंट के आधार पर सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं। कंपोनेंट, नंबर ऑफ कंपोनेंट के आधार पर सॉल्यूशन को निम्न वर्गों में बांटा गया। जैसे एक तरफ हम लोग ले लेते हैं कंपोनेंट और एक तरफ ले लेते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। जैसे मान लो कि हम एक कंपोनेंट ले, केवल पानी ले, देयर इज नो सॉल्यूशन। केवल पानी को हम सॉल्यूशन नहीं कह सकते, केवल चीनी को हम सॉल्यूशन नहीं कर सकते, यानी डिफिनिट है कि कोई भी सॉल्यूशन के लिए 2 या 2 से अधिक पदार्थ का होना आवश्यक है। इसीलिए आप सॉल्यूशन के डिफिनेशन में लिखे थे कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। तो अगर हम 2 कंपोनेंट की सॉल्यूशन हो, जैसे पानी और चीनी, 2 कंपोनेंट की अगर सॉल्यूशन रहेगा तो उसे बाइनरी सॉल्यूशन कहा जाता है। अगर उसमें 3 कंपोनेंट हो, कोई विलयन में कंपोनेंट की मात्रा 3 हो,
तो उसे हम टर्टियरी सॉल्यूशन कहेंगे, और अगर चार हो तो उसे क्वाटरनरी सॉल्यूशन कहा जाता है। इसी प्रकार पांच हो तो पेंटानरी सॉल्यूशन। मैक्सिमम तीन तक आप लोग को पढ़ना है। उसके बाद एक आधार और आता है भौतिक अवस्था के आधार पर। चौथा, भौतिक अवस्था के आधार पर। तो भौतिक अवस्था के आधार पर सॉल्यूशन को तीन वर्गों में बांटा गया। पहला गैसीय सॉल्यूशन यानी गैसीय विलयन, दूसरा द्रव विलयन, और तीसरा होता है ठोस विलयन। इन तीनों विलयन में, गैसीय विलयन में लिक्विड हमेशा गैस, सॉरी सॉल्वेंट हमेशा गैस होगा, द्रव विलयन में सॉल्वेंट हमेशा द्रव होगा, और ठोस विलयन में सॉल्वेंट हमेशा ठोस होगा। इस प्रकार आप लोगों ने जाना विलयन और टाइप्स ऑफ विलयन, यानी सॉल्यूशन क्या है और सॉल्यूशन को कितने आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है। तो चलिए अब हम देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन यानी विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता को अनेक रूपों में व्यक्त किया गया, जैसे मास प्रतिशत, वॉल्यूम प्रतिशत, मोलारिटी, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन। तो एक एक करके हम इन सारे चीजों को स्टडी करेंगे। पहला लिखिए द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, इसको इंग्लिश में बोला जाता है मास परसेंटेज, यानी इसे W/W प्रतिशत भी कहा जाता है। 100 ग्राम विलयन में कितना ग्राम विलयन लेंगे, 100 ग्राम कोई विलयन में उपस्थित, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित किसी सॉल्यूट के ग्राम में मात्रा को हम मास परसेंटेज कहते हैं। यानी 100 ग्राम विलयन में जो सॉल्यूट उपस्थित होता है, और सॉल्यूट का मान हम लोग किस में लेंगे, ग्राम में, जितना ग्राम सॉल्यूट उपस्थित रहता है उसकी मात्रा को हम द्रव्यमान प्रतिशत यानी मास परसेंटेज कहते हैं। तो इसका आप सूत्र लिख लीजिए, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है सॉल्यूट का द्रव्यमान यानी विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। विलेय और विलयन का द्रव्यमान किस में लेना है, ग्राम में लेना है। अब हम दूसरा देखेंगे आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत क्या होता है, दूसरा में आप लिखिएगा आयतन प्रतिशत, यानी इसको इंग्लिश में बोला जाता है वॉल्यूम परसेंटेज या V/V परसेंटेज। 100 लीटर ml होगा, लीटर नहीं लेना है, ml में होता है, 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में, यानी 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन की मात्रा में उपस्थित विलेय की ml मात्रा, मतलब विलेय का जो मात्रा लेना है वो ml में लेना है, विलेय के ml मात्रा को हम आयतन प्रतिशत कहते हैं। आयतन प्रतिशत में, आयतन प्रतिशत बराबर होता है विलेय का मात्रा बटा विलयन का मात्रा गुने 100। यानी द्रव्यमान प्रतिशत में 100 ग्राम विलयन में विलेय की मात्रा को कहेंगे, और इसमें 100 ml सॉल्यूशन में विलेय की उपस्थित मात्रा को हम आयतन प्रतिशत, और 100 ग्राम सॉल्यूशन में उपस्थित विलेय की मात्रा को हम द्रव्यमान प्रतिशत कहेंगे। आगे हम लोग देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है मोलारिटी,
मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन, ये तीन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे न्यूमेरिकल बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इन तीनों टॉपिक को जानने के पहले आप जानेंगे मोल। मोल क्या होता है? तो एक मोल क्या है? मोल बराबर होता है 6.022 गुने 10 के पावर 23। जैसे एक दर्जन बराबर होते हैं, एक दर्जन बराबर होते हैं 12 अंडे, 12 केले या 12 वस्तु, उसी प्रकार एक मोल बराबर होता है 6.022 गुने 10 के पावर 23 एटम, मॉलिक्यूल्स या आयन कुछ भी हो सकता है। यानी मोल एक संख्या है जिसका एक मोल का मान होता है इतना। मोल बराबर सूत्र होता है, आप पढ़े भी होंगे क्लास 11th में, मोल बराबर सूत्र होता है वेट बाई मोलिकुलर वेट। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया जाए कि 18 ग्राम जल में मोल की संख्या ज्ञात करें, मोल की संख्या ज्ञात करें। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि 18 ग्राम जल में मोल की संख्या ज्ञात करें, तो यहां पे देख रहे हैं कि वेट दिया हुआ 18 ग्राम और मोलिकुलर वेट हमको निकालना है। मोलिकुलर वेट जल का निकालना है, जल का सूत्र होता है H2O। अब इसका मोलिकुलर वेट निकालेंगे हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16 यानी 18। मोल निकाल देंगे तो मोल बराबर होता है वेट बाई मोलिकुलर वेट। इस प्रकार वेट 18 है और मोलिकुलर वेट भी 18 आ गया, कट के आ गया कितना 1, यानी 18 ग्राम जल में मोलों की संख्या 1 होगा। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे मोलारिटी। मोलारिटी यानी मोल बटा लीटर। इसको हम कैसे डिफाइंड करेंगे? तो आप लिख सकते हैं कि एक लीटर, क्या लिखेंगे, एक लीटर बिलियन में, एक लीटर बिलियन में उपस्थित सॉल्यूट के मोलों की संख्या को मोलारिटी कहा जाता है। फिर से आप उतार लीजिए, एक लीटर सॉल्यूशन में, और ऐसे आप जान लीजिए कि एक लीटर बराबर होता है 1000 ml। तो आप 1000 ml बिलियन कह सकते हैं या एक लीटर सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। तो एक लीटर सॉल्यूशन में उपस्थित मोलों की, सॉल्यूट के मोलों की संख्या को हम मोलारिटी कहते हैं। मोलारिटी बराबर सूत्र होता है, मोलारिटी बराबर सूत्र होता है मोल ऑफ सॉल्यूट बटा मोल ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। गुना 1000, आप निकाल भी सकते हैं। मोलारिटी बराबर मोल बटे लीटर। मोल यहां से भी सूत्र निकल जाता है, मोल किसका मोल निकालना है, सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट का वेट बटा सॉल्वेंट का वेट, सॉल्यूट का वेट बटा सॉल्यूट का मोलिकुलर वेट। अभी बताया मोल बराबर होता है वेट बटा मोलिकुलर वेट, बटा लीटर को हम बदलेंगे तो यहां पर हो जाएगा ml बटा 1000। आप इसको लिख सकते हैं w गुने 1000 बटा m गुने ml। ये आपका मोलारिटी का सूत्र हुआ जिससे आप न्यूमेरिकल बनाने में आपको आसान होगा। ध्यान दीजिएगा w जो है, आप लिख लीजिए w बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट,
यानी सॉल्यूट का वेट है, विलेय का द्रव्यमान। एम बराबर मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट है, जैसे हमने जल के H2O का मोलिकुलर वेट निकाले थे। ml जो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आप इसके मदद से किसी सॉल्यूशन का मोलारिटी निकाल सकते हैं। अब आप देखिएगा तीसरा मोलालिटी, चौथा क्या है? मोलालिटी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोलालता। तो मोलालता को कैसे डिफाइंड करेंगे? आप लोग उतार लिए होंगे, मोलालता बराबर होता है, यानी मोलालिटी बराबर होता है मोल बटा केजी, यानी 1000 ग्राम। इसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे? 1000 ग्राम सोलवेंट में, 1000 ग्राम सोलवेंट में। यहां ध्यान देना है, ये जो मोलालिटी है जिसकी तुलना सोलवेंट से होता है, और मोलालिटी में सॉल्यूट की तुलना सॉल्यूशन से होता है, एक कॉमन है दोनों का। फिर से सुन लीजिए, मोलारिटी में सॉल्यूट की तुलना सॉल्यूशन से करेंगे, उसकी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से करेंगे। और मोलालिटी में सॉल्यूट की जो तुलना होगा, यानी उसकी जो तुलना की जाएगी, उस सॉल्वेंट के मास से किया जाता है, सॉल्वेंट। तो 100 ग्राम सॉल्वेंट में उपस्थित 100 ग्राम सॉल्वेंट में उपस्थित सॉल्यूट की मोलों की संख्या को मोलारिटी कहा जाता है। मोलारिटी बराबर होगा मोल ऑफ सॉल्यूट बटा सॉल्वेंट का द्रव्यमान गुने 1000। सॉरी, यहां पे 1000 होगा, 1000। तो यहां पे आप लिख सकते हैं मोल, फिर डिफाइंड करेंगे जिससे आपका न्यूमेरिकल बनेगा। मोलालिटी इज इक्वल टू मोल यानी वेट बटा मोलिकुलर वेट। किसका वेट लेना है, किसका मोलिकुलर वेट लेना है? सॉल्यूशन में उपस्थित सॉल्यूट का, बटे केजी को ग्राम में बदलेंगे तो ग्राम बाई 1000। इस प्रकार सूत्र निकल के आया, डब्ल्यू गुने 1000 बटा एम गुने ग्राम। केवल ध्यान आपको देना है कि ग्राम जो ले रहे हैं इस सॉल्वेंट का लेंगे, और ये जो ले रहे हैं ये सब सॉल्यूट का होगा, यानी मोल होगा जो सॉल्यूट का होगा, यहीं पर लिख लीजिए, और तुलना करेंगे किससे? सॉल्वेंट के द्रव्यमान से। तो आपको सूत्र निकल के आ गया, मोलालिटी इक्वल टू डब्ल्यू बट गुने 1000 बटा एम गुने ग्राम, जहां आप लिख लीजिए कि डब्ल्यू बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट, एम बराबर मास ऑफ सॉल्यूट, और ग्राम जो है इस सॉल्वेंट का द्रव्यमान है, और 1000 1000। इस सूत्र से आप किसी भी बिलियन में उपस्थित कोई पदार्थ का मोलालिटी या मोलारिटी निकाल सकते हैं। अब एक टॉपिक और बच गया जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मोल फ्रैक्शन क्या है। ये कभी कभी 2 अंक का डिफिनेशन भी इसका पूछ देता है, कभी कभी इससे 5 अंक का न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं, मोल फ्रैक्शन यानी मोल प्रभाज। हम इसको एक प्रैक्टिकली तरीका से आप लोग को समझाते हैं। जैसे मान लो कि कोई बिलियन है, एक क्या है? बिलियन है, एक बिलियन है जिसमें 2 कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट ए है और एक कंपोनेंट बी है। आप मान लो कि सॉल्वेंट है, ये क्या है? सॉल्यूट है। तो सबसे पहले हम इसका वेट दिया होगा, मान लो कि इसका वेट है W1, इसका वेट है W2।
फिर हम इसको मोलिकुलर वेट निकाल सकते हैं। जैसे ये कोई मान लो कि पानी और जल मिलकर कोई बिलियन बना, तो दिया हुआ रहेगा ना कि 2 ग्राम पानी है, 1 ग्राम चीनी है और मिलकर सोल्यूशन बना है, तो वेट दिया हुआ रहेगा, मोलिकुलर वेट हम लोग निकाल लेंगे पानी के सूत्र से और वहां से चीनी के सूत्र से। तो मान लो कि वेट दिया हुआ है इसका W1 है और इसका W2 है, इसका मोलिकुलर मास मेरा निकल के आ रहा है M1 और इसका निकल के आ रहा है M2। हम यहां से मोल निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, मोल W1/M1, क्योंकि मोल बराबर होता है वेट बाई मोलिकुलर वेट, और यहां से निकाल लेंगे W2/M2। इस प्रकार टोटल मोल ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, टोटल मोल ऑफ सोल्यूशन यानी बिलियन का कुल मोल, तो W1/M1 प्लस W2/M2। अब यहां से जैसे आपको बोल दे कि जो एक कंपोनेंट है उसका मोल प्रभाव निकालिए, मोल प्रभाव को हमेशा एक्स से डिनोट किया जाता है। एक्स ए का मतलब हुआ कि सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन, तो सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन बराबर होगा सोलवेंट का मोल, तो सोलवेंट का मोल है W1/M1/ टोटल बिलियन का मोल, तो टोटल बिलियन का मोल हो जाएगा इतना। उसी प्रकार अगर हम सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन देखेंगे तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा W2/M2/ टोटल मोल यानी W1+W2/M2। तो हम मोल प्रभाव के इस प्रकार किस डिफिनेशन देंगे, तो किसी बिलियन में उपस्थित कोई एक पदार्थ का मोल तथा उस बिलियन में उपस्थित सभी पदार्थों के मोल के अनुपात को मोल प्रभाव कहा जाता है। फिर से एक बार आप लोग लिख लेंगे, किसी बिलियन में उपस्थित कोई एक पदार्थ का मोल तथा उस बिलियन में उपस्थित अन्य पदार्थों के मोलों को योग के अनुपात को उस संख्या का मोल प्रभाज कहा जाता है। जैसे एक्स ए का मोल प्रभाज बराबर हो गया ए का मोल बटा उस बिलियन में उपस्थित टोटल संख्याओं का मोल, अगर 3 को रहेगा तो 3 के निकाल लेंगे। या आप ऐसे कह सकते हैं कि सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन बराबर सोलवेंट का मोल बटाओ सोलवेंट प्लस सोल्यूट के मोल का अनुपात को हम सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन कहते हैं। अब हम आप लोग को एक एक करके न्यूमेरिकल आपको बताएंगे, इसके न्यूमेरिकल जानने के लिए आप हमारे सॉल्यूशन पर जो हम वीडियो बना रहे हैं उसका भाग 2 देखेंगे, जिसमें आपको पूरे डिटेल से जितने टॉपिक आप पढ़े हैं सब पर हम न्यूमेरिकल बारी बारी से बताएंगे। तो अगला भाग आपको न्यूमेरिकल पर आधारित होगा, तब तक हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच जाए।